गंगा यहाँ पे कितनी परेशानियां कितनी हो रही है, गर्मी का टेम्परेचर सामने ही है, देख ले कैसे छपरे के तंबू बाण बांध के बैठे, परेशानी आपके सामने ही है। ये एक आप महीने लगा के बैठे हो, ये तो गर्मी में ज्यादा हीट होता होगा, बहुत ज्यादा होते हैं, क्या करें, कहाँ जाए फिर, कहाँ जाए बताओ आप, लोग गर्मी से मर रहे हैं, पता है क्या करे, गर्मी से मर रहे हैं। अभी डीपी लोग इतने डेढ़ महीने से उठी है, अभी हमको पीने को नहीं है, मैं तो कहाँ से स्टेशन से पानी लाते हैं, हम तो रेलवे स्टेशन से लाते हैं। अच्छा, गर्मी में परेशान नहीं होते हो, दूर दूर परेशानी तो काट रही है साहब। दोस्तों नमस्कार, सुबह के 11 बजे हैं और गर्मी का टेम्परेचर है 41 डिग्री, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाड़मेर की उस झुकी झोपड़ियों में, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ की महिलाएं जो हैं वो गर्म पानी पीने को मजबूर हैं। गर्म पानी पीने को क्यों मजबूर है, क्या रीजन है इसके पीछे, यहाँ की महिलाओं से हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चारों तरफ कोई भी पक्का मकान नहीं है, कोई भी किसी भी तरह से पक्की छत यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर करीब 30 से 35 जो है झुकी झोपड़ियाँ हैं, और झुकी झोपड़ियों के अंदर ये अपना जीवन व्यापित करने के लिए मजबूर हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा आ गया, ये क्या नाम है आपका यहाँ पे? राधा। यहाँ पे क्या सुविधा है, क्या है रहने के लिए? नहीं है सविता, बस ऐसे ही बैठे हैं, रेलवे में बैठे हैं। लोग गर्मी से मर रहे हैं, पता है क्या करे, गर्मी से मर रहे हैं। अभी डीपी लोग इतने डेढ़ महीने से उठी है, अभी बीमार थी। अच्छा आपकी आपकी बच्ची पड़ गई थी, पोती वो 5 दिन से वो दाखिल करी लाई, उसके बाद में बहू पड़ गई थी, उसके बॉस को दाखिल करके लाई, बीमार थी डॉक्टर। गर्मी से परेशान हो, गर्मी से पड़ रहे और क्या करे। अच्छा तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहिए सरकार, हमको सुविधा करो, कोई ठंडे पानी की, कोई लाइट की, कोई हमको प्लाट दो, गरीबों को पड़े ऐसे, तो क्या करें। लोग तो भामाशाह सरकार द्वारा रोडों पे जो मेन रोडे हैं वहाँ पे लगातार पानी छिड़काव किया जा रहा है, आपका क्या कहना है, वहाँ पे पानी छिड़काव नहीं करके आपके पानी के लिए सुविधा की जाए? पानी है ही नहीं हमारे पास, तो हमको पीने को नहीं है, मैं तो कहाँ से स्टेशन से पानी लाते हैं, हम तो रेलवे स्टेशन से लाते हैं। अच्छा, गर्मी में परेशान नहीं होते हो, दूर दूर परेशानी तो काट रही है साहब, परेशानी तो काट रही है, मजदूरी कर रहे हैं, रात का कचरा चुगते, देख लो ये कचरा रात का चुगते, रात का सोते तो, नहीं है मथुरा में, तो रात को तो देर रात तक गर्मी रहती है, गर्म हवा चलती है, फिर आप कैसे रहते हो यहाँ पे, क्या करे, तड़फ रहे हैं ऐसे। आप आगे आइए, जरा आगे आइए, आप भी क्या कहे, आप पढ़े हुए हो? नहीं नहीं। अच्छा क्या नाम है आपका? गंगा। गंगा यहाँ पे कितनी परेशानियाँ कितनी हो रही है, गर्मी का टेम्परेचर सामने ही है, देख ले कैसे छपरे के तंबू बाण बांध के बैठे, परेशानी आपके सामने ही है, पानी देख ले कैसे ऐसे रख रख के ऐसे पी रहे हैं, पानी नहीं, कोई लाइट नहीं, पंखा नहीं, कूलर नहीं, क्या करे, जिम्मी नहीं, कहाँ जाए। क्या प्रशासन से क्या मांग रहेगी, सरकार से प्रशासन से क्या मांग है, घर दे, कोई प्लाट दे, पानी की सुविधा करे, कोई लाइट बिजली करे, लोग तो एसी के नीचे मर रहे हैं, हम तो ऐसे फिर भी क्या करे, मजबूरी के बारे में। अधिकारी जो है वो एसी वगैरह चालू कर देते हैं, वहाँ रूम भी उनके खाली रहते हैं, और आपके तो यहाँ पे पंखा भी नहीं है रहने के लिए, लाइट है ही नहीं, पंखा कहाँ से चलेगा, लाइट ही नहीं है यहाँ पे, पानी की सुविधा नहीं है, पानी भी नहीं भरने देते, स्टेशन से लाते उधर भी मना करते हैं, कहीं कहीं से लाते हैं। अच्छा यहाँ पर कुछ और महिलाएं मौजूद हैं, कुछ और जो यहाँ पर जो अंदर आप देख पा रहे हैं किस तरह से झुकी झोपड़ी के अंदर महिलाएं अपना जीवन जो है वो व्यापित करने के लिए मजबूर है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा भैया क्या नाम है आपका? अड़मत। क्या यहाँ पे क्या सुविधा है, क्या है आपके लिए? सुविधा कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। क्या मांग रहेगी प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि कुछ हमें सुविधा दे, और हम भी हमारे बाल बच्चे हैं ये इतने गर्मी में बैठे हैं, कुछ सुविधा करे तो बढ़िया, अच्छी बात है प्रशासन की। ये एक आप महीने लगा के बैठे हो, ये तो गर्मी में ज्यादा हीट होता होगा, बहुत ज्यादा होते हैं, क्या करे, कहाँ जाए फिर, कहाँ जाए बताओ, आप बता दो भाई, यहाँ बैठो, कहीं बैठने की जगह ही नहीं है। प्रशासन और नगर प्रशासन और भामाशाह द्वारा तो बाजारों में बहुत अच्छी सुविधाएं की जा रही है, बाजारों में की जा रही है, यहाँ बैठे ना उनके कोई सुविधा नहीं है। आपको क्या लग रहा है, झुकी झोपड़ी में बैठे उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए? होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए, सबकी हो रही है, हमारी भी होनी चाहिए। ये देखिए बच्चे किस तरह से जो है, बच्चे यहाँ पर झुकी झोपड़ी के अंदर किस तरह से बच्चों को रखा जा रहा है, आप इन्हीं तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम चाहेंगे हमारे तमाम दर्शक एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सोशल मीडिया पे 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें अधिकारी अपने ऑफिसों में मौजूद नहीं है, फिर भी वहाँ पर एसी कूलर पंखे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई एसी कूलर पंखा नहीं है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से मजबूरी से अपना जीवन जो है यहाँ पर गर्म पानी पीकर व्यापित करने के लिए काफ़ी मजबूर हैं ये लोग।
राजस्थान राइज से मैं आपका साथी उमेद बैरानी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।